हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, क्या हाल चाल है? मैं करता हूँ आप सब बढ़िया होगे। सो गाइस, आज कुछ इस तरीके की फोटो एडिटिंग करेंगे, काफ़ी यूनिक तरीके की एडिटिंग है। एंड वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक, आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मैं। एंड सबसे पहले तो आप कुछ इस तरीके की पिक घर पे क्लिक करा लेना। एंड विदाउट एनी टाइम वेस्ट, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले तो हमें जो पीएस टच एप्लीकेशन में अपनी आ चुकी हैं। एंड सबसे पहले तो आपको ये बोलना चाहता हूँ कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स और भी आएंगे इसी चैनल पे। तो सबसे पहले तो हम अपनी जो फ़ोटो है उसको ऐड करेंगे। तो घर पे क्लिक करवा लेना, किसी भी स्मार्टफोन में या DSLR है तो DSLR से करा लेना, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो फ़ोन में भी आजकल अच्छी क्लैरिटी आ जाती है, तो इस तरीके से हम एडजस्ट करके इसे लगा लेंगे। मतलब अच्छे से एडजस्ट करके लगाना, ताकि थोड़ी अच्छी सी इमेज लगे। एंड यहाँ नीचे मैंने अपनी इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना अगर आप करना चाहते हो तो। सबसे पहले तो हम इसका बैकग्राउंड अब चेंज करेंगे, हमारी एडजस्ट होकर लग चुकी है फ़ोटो जो। एंड इसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए मैं करूँगा क्विक सिलेक्शन टूल। तो क्विक सिलेक्शन टूल है जो, इसे कुछ इस तरीके से हमें यूज़ करना है अपने बार बार की जो, फटाफट से इसे कर लेते हैं। एंड इसे अच्छे से करने के बाद हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें रिफाइन एजेस का ऑप्शन मिलेगा। रिफाइन एजेस में जाने के बाद इसे, रिफाइन एजेस को सिर्फ हेयर्स पे यूज़ करना, हेयर्स पे काफ़ी अच्छे से वर्क कर लेता है ये। बॉडी पे करोगे तो बैकग्राउंड भी वो कैप्चर कर लेता है साथ में, ऐसे बैकग्राउंड भी आ जाता है तो अच्छा नहीं लगेगा। एंड इतना सब होने के बाद आपको फिर से ऊपर फर्स्ट वाले टूल में जाना है। टूल में जाने के बाद आपको यहाँ पे फेदर का ऑप्शन मिलेगा, फेदर का ऑप्शन है जो, उसे हम 1 पिक्सल पे कर देंगे एंड डन। एंड इसके बाद जो हमारा इन्वर्स ऐसे कर लेंगे, एंड इसके बाद एक्स्ट्रा। तो काफ़ी अच्छे तरीके से बैकग्राउंड हमारा चेंज हो चुका है। एंड अब हम करेंगे क्या, इसमें एक खाली लेयर बनाएंगे। हमें यहाँ पे 4-5 खाली लेयर बना लेनी है, पर अभी नहीं बनानी, बाद में बनाएंगे वो जब हम यूज़ करेंगे। एंड ये बनाने के बाद ये ज़रूरी है बनानी, इसी पे ही जैसे कलरिंग वगैरह का काम हम इन्हीं पे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जो हमारा PNG है उसे लगा लेते हैं। तो ये PNG का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो भी मैं चीज़ यूज़ कर रहा हूँ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना। एंड अब करने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको नीचे वहाँ पे जाना है टूल पे, एंड यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो देख सकते हो वाइट वाली लेयर जो हमारी बॉडी से वो मिक्स हो चुकी है। एंड अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो हमें इसे अच्छे से एडजस्ट करके लगा लेना है। एडजस्ट करने के बाद डन। एंड जो इसकी ओपेसिटी है उसको आपको कम कर देना, करीब 50% रख लेना। एंड साइड से आपको टूल यूज़ कर लेना है, वो इरेज टूल। एंड जो हमारा हैंड है वो ब्रश को पहले छोटा करके एंड हार्डनेस को बढ़ा देना है करीब 65। एंड कुछ इस तरीके से आपको जो अपना हाथ है उसको, मतलब ऐसे रियलिटी में जैसे बाहर आ रहा है हाथ, बाहर रहना चाहिए, जो ब्लैक वाला उसे हमें रिमूव करना है। तो फटाफट से कर लेता हूँ ऐसे भी। एंड अब इसके ओपोसिट को हमें फुल कर देना है। ओपोसिट को फुल करते देख सकते हो तो काफ़ी अच्छे तरीके से जो हमारी PNG है वो ऐड हो चुकी है। एंड अभी हमें करना क्या है, जो हमने वो खाली लेयर बनाई थी उसको सिलेक्ट करना है सबसे पहले तो। एंड ऊपर आपको जो S वाला टूल दिख रहा होगा उस पर जाना है। S वाले टूल पर जाने के बाद आपको नीचे ग्रेडियंट का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो उस पर जाना है। तो यहाँ से जो साइड से ब्लैक इफेक्ट लाना है, ये हमें इफेक्ट लाना है। तो ग्रेडियंट का हम 2 बार यूज़ करेंगे, सबसे पहले तो साइड में, एंड वही वाली लेयर को सिलेक्ट करके वहीं से हमें ग्रेडियंट को नीचे से भी कर लेना है अच्छे से, ब्लैक मतलब इफेक्ट आए। तो बस इतना सब होने के बाद आपको फ़ोटो को सीधा डन कर देना है। एंड इसके बाद हमें एक PNG ऐड करना है, तो जेलीफिश का जो PNG है उसे हम ऐड करेंगे। तो फटाफट से मैं उसे ऐड कर लेता हूँ। एंड इसे पहले तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, इसकी सबसे पहले तो हमें इसका ब्लेंड मोड में जाने के बाद इसे हम करेंगे, फिर अच्छा लगेगा थोड़ा। तो ब्लेंड मोड में जाते हैं एंड यहाँ पे हम स्क्रीन रख देते हैं, स्क्रीन करके डन। तो देख सकते हो जो ब्लैक वाला था वो हट चुका है। एंड अब हम इसे अच्छे से एडजस्ट करके लगाएंगे। तो ट्रांसफॉर्म में जाते हैं एंड इसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट करके लगा लेते हैं। एडजस्ट करके लगाया तो देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड थोड़ा इफेक्ट भी आने लगा है वो वाला। तो अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो हम यहाँ पे खाली लेयर बना लेंगे। अब हम खाली लेयर्स का यूज़ होगा और कोई PNG यूज़ नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे पेंट ब्रश है जो हमारा, पेंट ब्रश को यूज़
करेंगे अब हम यहाँ पे, तो यहाँ से भी आप कलर इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे आपको ब्रश वाला टूल मिल रहा होगा ऐसे पेंसिल वाला, तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना जेलीफिश का कलर। तो अभी करना है आपको फोटो को जूम करना है सबसे पहले, तो जूम करने के बाद आपको सिंपली कुछ इस तरीके से आपको जो अपना हाथ है उस पर ऐसे कलर कर लेना है। फटाफट से कर लेते हैं, ऐसे फेस पे भी थोड़ा कर लेंगे, थोड़ा ताकि इफेक्ट आए। एंड इसके बाद हम वो जो लेयर थी उसको हम ब्लर कर देंगे, तो देख सकते हो काफ़ी अच्छा सा इफेक्ट आ रहा है अभी। बाकी हम इसकी एडजस्टमेंट ओपेसिटी को बाद में करेंगे, अभी काफ़ी अच्छा सा इफेक्ट आ रहा है तो अभी हम करेंगे क्या, अब हम एक और खाली लेयर बना लेंगे। खाली लेयर को बना लेते हैं, तो खाली लेयर को बनाने के बाद आपको सिंपली करना है यहाँ से एस वाले टूल में जाना है, फिल पे जाना है, एंड यहाँ से आपको कलर लाइट ब्लू जैसा कुछ मतलब स्काई वाला कलर होता है ना जो, वो सिलेक्ट कर लेना। एंड इसे करने के बाद जो आपकी ये वाली लेयर है इसको जो हमारी सारी PNGs है उसके नीचे ला के रख देना है, एंड जो हमारी बॉडी है उसके ऊपर ला के रख देना है। तो यहाँ पे हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखते हो काफ़ी ज़्यादा डार्क हो चुकी है पिक्चर, तो अब हम इसकी ओपेसिटी को कम कर देंगे। ओपेसिटी को बिल्कुल कम कर देते हैं पहले, तो पहले ऐसे थी, एंड थोड़ा थोड़ा जूम करके देख लेना जैसे आपको अच्छा लगे उस तरीके की ओपेसिटी बढ़ा के आप रख लेना। एंड मैं 52 रख रहा हूँ, काफ़ी अच्छी लग रही है 52 पे। तो अब हमें करना क्या है, ये जो ज़्यादा ज़्यादा लाइट आ रही है वो थोड़ी फेक सी लग रही है, तो सबसे पहले तो इसे कम करना है। वो वाली लेयर पे जाएंगे एंड इसकी ओपेसिटी को कम कर देते हैं 53 या 62 पे सही लग रही है। एंड अब आप देख सकते हो जो हमारा फेस है, फेस पे वो इफेक्ट नहीं आ पा रहा अच्छे से, तो खाली लेयर बनाएंगे। खाली लेयर बनाने के बाद आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ से आपको पहले वाले से थोड़ा डार्क लेना है कलर, एंड डार्क लेने के बाद स्काई वाला ही ले लेना कलर। तो डार्क लेने के बाद आपको सिंपली करना क्या है, ब्रश को छोटा कर लेना है एंड कुछ इस तरीके से आपको फास्ट फास्ट कर लेना है, मतलब अच्छे से वर्क करना है आपको। तो कुछ इस तरीके से फेस पे एंड जहाँ पे भी आप इफेक्ट लाना चाहते हो वहाँ पे, एंड इसको भी ब्लर कर देंगे। ब्लर करने के बाद आप देखते हो, और वो ब्लर नहीं हुआ अभी, ब्लर करते हैं दोबारा। ब्लर करने के बाद देख सकते हो काफ़ी अच्छा सा इफेक्ट आने लग गया, अच्छा लग रहा है अभी इफेक्ट। तो अभी हमें करेंगे क्या, यहाँ से हमारा पूरा काम जो डन हो चुका है, तो सिंपली हमें करना है कि इरेज ब्रश पे जाना है। तो सबसे पहले तो जो ख़राब डॉट बन गए थे गलती से, इसे रिमूव कर देते हैं। एंड अभी हमें करना क्या, फ़ोटो को सिंपली सेव कर लेना है, एंड जो हमारी लाइट रूम एप्लीकेशन है उसमें फ़ोटो को इम्पोर्ट कर लेना है। तो फ़ोटो हमारी इम्पोर्ट हो चुकी है, तो अभी हमें करना क्या, सिंपली सबसे पहले तो हमें यहाँ पर काफ़ी सारे नीचे ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पर लाइट का ऑप्शन मिलेगा, इसके एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ा देना है, 0.20 रख रहा हूँ, एंड कंट्रास्ट को 20 रख लेते हैं। 20 रखने के बाद इसकी जो हाईलाइट है उसको बिल्कुल कम कर देना है, शेडोज को भी हल्का सा कम कर दो, एंड जो वाइट्स है उसको हल्का सा बढ़ा दो, एंड जो ब्लैक्स है उसको भी हल्का सा बढ़ा दो। तो ये बेसिक सी सेटिंग है, आप कर सकते हो इसे। तो गाइज इसके बाद हम कलर वाले ऑप्शन में आ जाएंगे, टेम्परेचर को -4 पर रख देंगे, एंड जो हमारा मिक्स है उसे हम अपने हिसाब से एडजस्ट करके लगा लेंगे। सिर्फ इसे दो ही कलर यूज़ होंगे, एक तो जो स्काई वाला है एंड जो ब्लू वाला है, ये दोनों ही ब्लू में आ जाते हैं, तो इन दोनों को अपने हिसाब से एडजस्ट करके लगा लेना। तो मैं भी अपने हिसाब से एडजस्ट करके इसे कर लूँगा, बस इसकी अच्छे से करना, मतलब आपको जैसा अच्छा लगे उस तरीके से करना, इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है कि मैं आपको नहीं बता सकता इसमें आपको कैसे करना है, आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा फ़ोटो के हिसाब से। तो इसके बाद हमें टेक्सचर है क्लैरिटी को बढ़ा देंगे 4:4 पे रख लेते हैं, एंड उसके बाद जो हमारी शार्पनेस है उसको भी हम 64 ऐसे, ये बेसिक सी सेटिंग है, ऐसे आप कर सकते हो, इसे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बस फोटो में थोड़ी क्लैरिटी बढ़ जाती है। तो देख सकते हो काफ़ी फ़ोटो जो हमारी अच्छे तरीके से जो एडिट हो चुकी है, एंड जेली फिश का इफेक्ट भी काफ़ी अच्छे से आ रहा है, पहले ऐसे था फिर ऐसे आ रहा है। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो पर लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।